हेलो गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, ब्लॉगस्पॉट पे ब्लॉग है आपका, वर्डप्रेस पे है, या फिर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जानना एडसेंस के बेसिक रूल्स को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इसकी वजह से, जानकारी की कमी की वजह से, बहुत से लोग अपने सालों का मेहनत जो है गंवा जाते हैं। आपको पता होगा कि गूगल जो है एक इंडिविजुअल को एक ही एडसेंस अकाउंट लीगली क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है, और उसके जितने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ब्लॉग हो ब्लॉगर का, या फिर वेबसाइट हो आपका वर्डप्रेस का, या फिर यूट्यूब चैनल हो, कितने भी चैनल हो, कितने भी वेबसाइट हो, कितने भी एंड्रॉयड ऐप्स हो, सभी को कहता है कि आपको एक ही इंडिविजुअल जो आपका एडसेंस अकाउंट है उसी से कनेक्ट करना है, आपको दूसरा अकाउंट नहीं बनाना है। अगर आप बनाते हैं तो वो दोनों ही एडसेंस अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि मान लीजिए आप किसी भी एक अपने वेबसाइट पे, प्रोडक्ट पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी ऐप पे अगर वायलेशन करते हैं, तो उसका खामियाजा जो है आपको आपके उसी एडसेंस अकाउंट पे भुगतना पड़ता है। अगर वो बैन हो जाता है, अगर वो सस्पेंड हो जाता है, अगर वो डिसेबल हो जाता है, तो बाकी जो आपके सारे जो लिंक्ड प्रोडक्ट हैं उन पर भी ऐड आना बंद हो सकता है। रूल्स देखिए बहुत से हैं, हर समय समय पे बदलते रहते हैं। कुछ सालों पे रीसेंट जो अभी रूल चेंज हुआ है उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं क्या चीज़ें हैं, किन कंडीशंस में अगर आपका एक प्रोडक्ट सस्पेंड होता है तो बाकी प्रोडक्ट पे क्या उसके इफेक्ट होंगे, उसे आप बचा सकते हैं तो कैसे बचा सकते हैं, और नहीं बचा सकते हैं तो किन किन चीज़ों को नहीं बचा सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज़ हम ले रहे हैं, अगर आपका ब्लॉगर, हम मान के चल रहे हैं कि आप एक इंडिविजुअल हैं और आपके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और बहुत सारे एडमो पे एप्लीकेशंस हैं। तो पहला केस, मान लीजिए आपका ब्लॉगर पे एक ब्लॉग वायलेट करता है किसी टर्म्स कंडीशंस के, एडसेंस के, और उसकी वजह से ब्लॉगर पे, ब्लॉगर वाले ब्लॉग पे आपका मॉनेटाइजेशन डिसेबल होता है, तो बाकी प्रोडक्ट्स पे क्या होगा? बाकी प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल जो ब्लॉगर है, जितने भी ब्लॉगर पे अकाउंट होंगे सभी का मोनेटाइजेशन जो है बंद हो जाएगा और कुछ इफेक्ट नहीं होगा बाकी प्रोडक्ट्स। केस नंबर टू, मान लीजिए आपका खुद का होस्टिंग खरीदा हुआ है और फुल्ली अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट है, जिसे कहते हैं एडसेंस फॉर कंटेंट, तो आप वर्डप्रेस पे आपका वेबसाइट है या फिर स्टैटिक साइट है जिस पे आप अप्रूवल लेके एड शो करते हैं, बहुत सारे साइट्स हैं आपके मान लीजिए, और उसमें से एक वेबसाइट एडसेंस के पॉलिसीज को वायलेट करता है और उसकी वजह से आपका एडसेंस अकाउंट जो है बंद हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहला चीज उस केस में यही हुआ कि आपके पास जितने भी वेबसाइट उस एडसेंस अकाउंट से लिंक थे, उसे आप फ्यूचर में कभी भी एडसेंस से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इवन किसी दूसरे के भी एडसेंस से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। एडसेंस गुड बाय फॉर ऑल योर वेबसाइट। अब आते हैं बाकी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर। ब्लॉगर, ब्लॉगर पे यूट्यूब पे आपको मैसेज आएगा, आपको मेल आएगा कि क्योंकि आपका मेन एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया, इसलिए आप दूसरे एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट कर लीजिए, यूट्यूब के लिए भी और ब्लॉगर के लिए भी। तो अब आपको करना क्या हो, क्योंकि आपको तो दूसरा एडसेंस अकाउंट बनाना नहीं है, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव से किसी भी एडसेंस अकाउंट से लिंक कर लीजिए। वहाँ पे सेटिंग्स में जाके आपको लिंक करने का ऑप्शन रहता है, ब्लॉगर में भी, यूट्यूब में भी रहता है, यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड में जाएंगे चैनल सेटिंग्स में, तो वहाँ से आप लिंक अनलिंक उसको, वो तो अनलिंक हो ही जाएगा डिसेबल होगा, तो फिर आपको दूसरे जो किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स के एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट कर दीजिए और यूट्यूब चैनल आपका बचा रह जाएगा, लेकिन पैसा उस अकाउंट में जाएगा, दूसरे के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एडमोब के, एडमोब के साथ भी ऐसा ही केस है। एडमोब में भी आपको ऐसा आएगा कि जो आपका एडमोब से एसोसिएटेड एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो गया है, इसलिए आप किसी दूसरे के एडसेंस से इस एडमोब को लिंक कर लीजिए, तो इस केस में ये चीज़ होगा। केस नंबर थ्री, यूट्यूब चैनल मान लीजिए, अब यूट्यूब चैनल डिसेबल होता है, मोनेटाइजेशन उस पर सस्पेंड होता है, या फिर आपका एडसेंस उसकी वजह से सस्पेंड होता है, डिसेबल होता है, तो क्या होगा? दो चीज़ें हैं, समझ जाइएगा थोड़ा। सबसे पहले मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, और उसी एडसेंस अकाउंट से आपने कनेक्ट कर रखा हो, तो अगर आपके किसी भी एक चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है किसी भी वजह से, मोनेटाइजेशन डिसेबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एडसेंस सस्पेंडन की बात नहीं कर रहे, एडसेंस सस्पेंड अलग चीज़ हो जाती है और मोनेटाइजेशन डिसेबल होना
होता है वो टेम्प्ररी भी होता है, बहुत वैसे भी होता है। तो अगर मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है तो उस केस में जितने भी आपके यूट्यूब चैनल्स हैं दूसरे जो कि लिंक्ड हैं उस एडसेंस अकाउंट से, उन सभी का मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा। जी दूसरा केस, अगर मान लीजिए आपका मोनेटाइजेशन, अगर आपका चैनल सस्पेंड होता है, ठीक है, चैनल सस्पेंड होता है, एक चैनल सस्पेंड होता है ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशन से। याद रखिए यहाँ पे हम कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशन से, अगर आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड होता है एक, तो एक ही केवल चैनल सस्पेंड होगा, बाकी सभी चैनल्स काम करते रहेंगे और आपको फ्यूचर में भी चैनल बनाना अलाउड रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका चैनल सस्पेंड होता है कॉपीराइट गाइडलाइंस, तीन कॉपीराइट गाइडलाइंस की वजह से, तो आपके जितने भी चैनल्स हैं उस एडसेंस अकाउंट से लिंक, वो सभी चैनल सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे सभी चैनल्स। कम्युनिटी गाइडलाइंस के केस में नहीं, कॉपीराइट गाइडलाइंस के केस में सस्पेंड होते हैं सभी चैनल्स, और आपको फ्यूचर में कभी भी, मतलब आप अपना फेस दिखा के या फिर अगर कैसे भी यूट्यूब डिटेक्ट करें, तो आपको कभी भी अलाउड नहीं है दूसरा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके यूट्यूब चैनल की वजह से आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड होने का मतलब आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे आप अपने एडसेंस अकाउंट में, उस केस में क्या इफेक्ट पड़ता है आपके सभी चैनल्स पे? सबसे पहले सभी चैनल्स के एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि उस पर कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको कुछ करने के लिए। दूसरा केस, जितने भी आपके ब्लॉगर पे ब्लॉग्स हैं, जितने भी ब्लॉगर पे ब्लॉग्स हैं, उसको अलाउ किया जाएगा कि आप लिंक कर लीजिए दूसरे एडसेंस अकाउंट से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के। तीसरा केस, जो आपका वर्डप्रेस पे यानी होस्टेड एडसेंस ऑफ सॉरी जो एडसेंस फॉर कंटेंट है, जो आपका खुद का होस्टिंग खरीदा हुआ है जैसे वर्डप्रेस है, उन सभी वेबसाइट्स का जो एडसेंस यूट्यूब की वजह से डिसेबल हुआ, तो आप कुछ नहीं कर सकते उनको, उनको फिर में फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एडमॉब को चेंज कर सकते हैं, एडमॉब यूट्यूब चैनल की वजह से अगर सस्पेंड होता है तो एडमॉब पे भी अलाउ किया जाता है कि आप चेंज करिए। एक ही केस में यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है, अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो उस केस में नहीं अलाउ किया जाता है। अगला केस है और आखिरी केस, अगर एडमॉब की वजह से यानी एप्लीकेशंस की वजह से, एडमॉब अकाउंट की वजह से, कुछ भी एक्टिविटीज़ की वजह से आपका एडसेंस अकाउंट अगर सस्पेंड होता है, तो बाकी केसेस में क्या होगा? सबसे पहला चीज़, आपके वेबसाइट्स, वो वेबसाइट जो कि एडसेंस फॉर कंटेंट हैं यानी वर्डप्रेस पे हैं, उनको भी हटा दिया जाएगा, उनको भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा दोबारा फ्यूचर में कनेक्ट करने के लिए किसी एडसेंस से। लेकिन यूट्यूब चैनल को और ब्लॉगर को आपको कहा जाएगा कि आप कनेक्ट कर लीजिए दूसरे से। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, हालांकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है समझना, लेकिन अगर आप समझ नहीं पाए तो रिपीटेड आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रूल को समझ के रखना, तभी आप इन गूगल के प्रोडक्ट्स पे ध्यानपूर्वक काम करते रहिए और कैसे सिचुएशन में क्या करना है आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।